अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। आज बाजार ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 130 पॉइंट चढ़कर 13,114 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 37 पॉइंट की गिरावट के साथ 44,618 के स्तर पर बंद हुआ। रियल्टी मेटल और ऑयल एंड गैस शेयरों में आज अच्छा कारोबार देखने को मिला। आज पूरे दिन बाजार में किस तरह का एक्शन रहा है, डिटेल में समझाने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवांशी बताइए, आज पूरे दिन मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा है, किन खबरों के दम पर रहा है? बिल्कुल, अब देखिए निचले लेवल से या ओवरऑल अगर देखें तो आज उतार चढ़ाव जरूर देखने मिला, लेकिन लोअर लेवल से जो रिकवरी आती हुई दिखी निफ्टी में वो काफी शानदार थी। बैंकिंग स्टॉक्स में हल्का सा दबाव जरूर आता हुआ दिखा और निफ्टी बैंक आप देखिए यहाँ पे हल्की सी प्रेशर के साथ कारोबार जरूर होता हुआ दिखा था। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसे आपने कहा रियल्टी स्टॉक्स, ऑटो, मेटल, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी। आईटी स्टॉक्स ने भी लास्ट में हमने देखा अच्छे गेन्स यहाँ पे बताते हुए दिखे। रियल्टी में हमने देखा फीनिक्स मिल्स यहाँ पे जेएससी के साथ जो कंपनी ने करार किया उसके चलते अच्छी तेजी आती हुई दिखी, डबल डिजिट गेन्स थे। डीएलएफ, ओब्रॉय, ये दोनों स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी। ऑटो स्टॉक्स में आज दोबारा हमने देखा जो आंकड़े आते हुए दिखे थे उसके चलते टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो में गेन्स थे। एमएनएम में भी अच्छी तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। मेटल स्टॉक्स ये पूरे पैक में आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखी। एनएमडीसी, टाटा स्टील, हिंद कॉपर, नैल्को, मॉइल, ये सारे स्टॉक्स अच्छी तरह से गेन करते हुए दिखे, अच्छे वॉल्यूम्स का सहारा मिलता हुआ दिखा। और साथ ही अगर वायदा बाजार की बात करें तो आज आपने देखा अदानी एंटरप्राइज फ्रेश गेन्स आते हुए दिखे, भारतीय इंफ्राटेल, टाटा केमिकल्स, गेल, ओएनजीसी, टाइटन, ये सारे स्टॉक्स से जहां पे फ्रेश तेजी की पोजीशन बनती हुई है। मंदी कहां हुई, आज बैंक स्टॉक्स ऊपरी लेवल से काफी प्रेशर दिखा रहे थे। वायदा बाजार में भी कोटक बैंक ये टॉप लूजर रहा, कैनरा बैंक में आज मंदी की पोजीशन बनी, टीवीएस मोटर और सन टीवी भी लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे आज गिरावट आती हुई दिखी है। लेकिन जी बिजनेस पर आपको जो सुपर हिट कॉल्स रिकमेंड किए थे उसमें आपकी सुपर हिट कमाई होती हुई दिखी। एमआरपीएल 4% तक की तेजी बंसल जी की रिकमेंडेशन थी। फीनिक्स मिल्स आपको अविनाश जी ने रिकमेंड किया था। यूपीएल सुमित जी की रिकमेंडेशन थी। एमएनएम वागली जी ने रिकमेंड किया था। साथ ही गुजरात अल्केली आज जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर भी मिली और जय की रिकमेंडेशन भी थी। तो ये सारे स्टॉक्स में आज आपकी दिन भर कमाई होती हुई दिखी। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ देखें या मिड कैप या स्मॉल कैप, इन सारे स्टॉक्स में अच्छे गेन्स थे, चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। बहुत शुक्रिया देवांशी आपका बाजार का ये पूरा एक्शन बताने के लिए, समझाने के लिए।